वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में जो है पंजाब नेशनल बैंक में पियोन की भर्ती हो रही है, यानी कि चपरासी की भर्ती हो रही है, जिसकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह से फॉर्म भरना है, कहाँ फॉर्म मिलेगा, सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो फॉर्म है, यानी कि जिस कार्यमंडल से ये फॉर्म आया है, ब्रांच से आया है, वो है पीएनबी हरिद्वार। जी हाँ फ्रेंड, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि हरिद्वार में जो है पियूंस की भर्ती है, जिसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की आप देख सकते हैं तो आप 12 मार्च 2022 है। चलिए सारी डिटेल एक बार जो है यहाँ पर देख लेते हैं। जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, 12वीं पास है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाहे हरिद्वार के फॉर्म आए हों, इससे पहले हल्द्वानी के आए हों, देहरादून के आए हों, टिहरी के आए हों, मैंने सभी को बताया कि केवल आप वहाँ पर 10वीं और 12वीं के ही मार्क्स वहाँ पर भरें, उससे अधिक ना भरें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ जो पोस्टेज है 15 है, यानी कि दोनों है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी यहाँ पर एज होगी, तो यहाँ पर आपकी एज होगी गाइज, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 to 24 होगी, लेकिन अदर जो आपके एज रिलैक्सेशन है उनको कैलकुलेट करते हुए यहाँ पर 40 के आसपास भी यहाँ पर जा रही है। ठीक है, एक बार उसको आप डिटेल देख लें। जो वेतनमान होगा 14,500 से लेकर 28,145 का होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा है 12वीं उत्तीर्ण पास व ऊपरी योग्यता रखने वाले इसमें पात्र नहीं है, यानी कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है भी तो फॉर्म में आप ना भरें। अभी मैं फॉर्म बताऊंगा किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो यहां पर एज की जो कैलकुलेशन होगी आप देख सकते हैं 1/1/2022 होगी, यानी कि 18 से लेकर 24 अगर आप जनरल में हैं तो यहां पर होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहां पर बात आती है नंबर ऑफ पोस्टेज की, जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ पोस्टेज 14 है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ 15 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस किस कैटेगरी के लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी के लिए 2, एसटी के लिए कोई नहीं है, ओबीसी के लिए 1, जनरल के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आएंगे कि हम एसटी में हैं तो हमारे लिए सीट नहीं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो जनरल में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 12 मार्च 2022 है, यानी कि 12 मार्च 2022 तक स्पीच पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भर जाने चाहिए, पहुँच जाने चाहिए। कहाँ पहुँच जाने चाहिए आप देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, मानव संसाधन विकास विभाग, मंडल कार्यालय, BHL कॉम्प्लेक्स, 14 रानीपुर हरिद्वार उत्तरांचल या उत्तराखंड, यहां पर 249403। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको अपने सारे सर्टिफिकेट यहां पर इंक्लूड करने हैं, जो यहां पर आप देख रहे हैं सारे यहां पर जो ऊपर से लेकर नीचे तक बताए गए सेल्फ अटेस्टेड भर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर सिलेक्शन किस तरह से होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका फॉर्म होगा, यानी कि जो एनवेलप होगा जो आप भर के भेजेंगे, ठीक है, वहाँ पर सबसे ऊपर आपको ये लिखना है कि आवेदन लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, यानी कि अधीनस्थ संवर्ग में चपरासी के भर्ती है, तो आवेदन पत्र आवेदन, ठीक है, वह श्रेणी यानी कि जिस कैटेगरी में आप हों, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी यहाँ पर आप लिखें, ठीक है। उसके अलावा आवेदन पत्र साफ साफ भरें, कहीं भी कटपीट ना हो, अगर कटपीट हो तो उसको हटा के दूसरा फॉर्म भरें, और एक लिफाफे में एक ही आवेदन भेजें, यानी कि एक ही भेजें, ठीक है, और सभी प्रमाण पत्रों की आवेदन की उचित नथी करें, यानी कि जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट है अभी मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा। उसके अलावा 10वीं यहाँ पर जो मेरिट कैलकुलेट की जाएगी, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 10वीं और 12वीं के अंक तालिका मेरिट के आधार पर होगी, तो और कैसे मेरिट कैलकुलेट होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th में आई थिंक 44 और 12th की 60% मार्क्स जो है कैलकुलेट होंगे। हालांकि मैंने एक्चुअली मुझे एक्यूरेट याद अभी आ नहीं रहा है, लेकिन मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है कि किस तरह से मेरिट कैलकुलेशन आपका होगी, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। उसके अलावा परीक्षा के लिए कोई, हालांकि ये इंटरव्यू से ना इसने रिटर्न होगा ना इंटरव्यू होगा, केवल यहाँ पर मेरिट के आधार पर होगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप जो है 4 मार्च 2022 का अमर उजाला हरिद्वार का जो है एडिशन देख सकते हैं, अदरवाइज इनके जो
मंडल कार्यालय है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट इसमें इंक्लूजन करना चाहिए। तो आप यहां पर आप देख सकते हैं सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे से मतलब ये नहीं है कि ग्रेजुएशन से ऊपर लगा दें, केवल 10th और 12th की मार्कशीट और जो भी आपका होगा वो लगाएं। उसके अलावा जन्म हेतु के लिए तो मार्कशीट हाईस्कूल की जरूर, उसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास पत्र जो हरिद्वार का होंगे वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जाति अगर आप एससी एसटी ओबीसी जो भी आते हैं, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का ज़रूर लगाएं। उसके अलावा रोजगार पंजीनीय जो है सर्टिफिकेट है वो अगर आप भूतपूर्व हैं तो, और 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो ज़रूर संलग्न करें। तो फ्रेंड तो ये रही सारी डिटेल, अब आते हैं फॉर्म किस तरह से आपको भरना है। तो आप ये देख सकते हैं, और ये फॉर्म कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक मानव संसाधन विकास विभाग मंडल कार्यालय भेल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 14 रानीपुर हरिद्वार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसको आपको छोड़ देना है क्योंकि ये ऑफिशियल है। उसके बाद यहाँ पर अपना हिंदी में नाम, फिर कैपिटल लेटर में फादर नेम, उसके अलावा स्थाई पता, और यहाँ पर आप ईमेल नंबर और स्थाई पते में जो एड्रेस है बिल्कुल एग्जैक्ट लिखें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी है और आपको वहाँ पर तिरछा चिपकाना है। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है। मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ केवल 10th और 12th के ही यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर लिखेंगे, उसके ऊपर नहीं लिखेंगे। अगर उसके ऊपर एक मुझे ये समझ में नहीं आता, जब मैं वीडियो में बार बार बता रहा हूँ कि 10th और 12th के मार्कशीट ही लगेंगे, तो फिर आप बार बार कमेंट में ये क्यों पूछते हैं कि मेरे पास ग्रेजुएशन है क्या मैं उसको लगाऊं या ना लगाऊं, अगर बाद में मांगेगा तो क्या होगा। अरे भाई साहब, जब उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा है कि केवल 10th और 12th के ही होंगे, उससे ऊपर के क्वालिफिकेशन का नहीं कैलकुलेशन किया जाएगा, तो आप क्यों ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। क्योंकि लास्ट बार जब हल्द्वानी और देहरादून का आया था तो कई कैंडिडेट ने एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा था कि सर हमारे पास तो जो है यूजी भी है, अगर बाद में कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाए तो उसमें दिक्कत तो नहीं आएगा। अरे यार, बाद की बाद में देखी जाएगी, जब नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 10वीं और 12वीं के ही मार्कशीट लगाने हैं, तो यार ये क्वेश्चन इस टाइप का यूजलेस बनता है। आगे बढ़ते हैं, बोर्ड का नाम, विषय, वर्ष, श्रेणी और कितने परसेंटेज आपने पाए हैं, उसके अलावा श्रेणी का नाम यानी कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, और वहाँ पर आपकी जन्म तिथि, और जो जन्म तिथि आपकी कैलकुलेट होगी 1/1/2022 को कितनी आपकी एज बन रही है एग्जैक्ट, यानी कि वर्ष माह दिन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा नेक्स्ट पे यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार की जो भी आपके पास है वो यहाँ पर अटैच करनी, और पिछली सेवा यानी कि अगर आपने इससे पहले कहीं जॉब की है तो आपको एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पर लिखना है, पासपोर्ट साइज यहाँ पर फोटो जो है यहाँ पर आपको लगाना है, उसके बाद हस्ताक्षर। तो उसके अलावा यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यानी कि नाम, तिथि, उसके अलावा इस घोषणा पत्र को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है और यहाँ से इसको करना है। उसके अलावा यहाँ पर दिनांक, ठीक है, दिनांक, स्थान, आवेदक का नाम और हस्ताक्षर, उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट को एक बार यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करने हैं। अब आती है बात कि ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक डाउनलोड का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ अगर आपसे वो डाउनलोड नहीं होता है तो वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम फॉर्म का लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, आई होप सो फ्रेंड आपको सारी डिटेल समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा लंबी होगी इसलिए हो गई क्योंकि इससे पहले हल्द्वानी, देहरादून और उसके अलावा अल्मोड़ा ये सब जगह का फॉर्म आया था, तो वहां पे जो कमेंट मेरे को याद आ रहे थे वो भी मैंने यहां पर लेने की कोशिश की। तो यहां पर क्योंकि जो है काफी कैंडिडेट्स के कमेंट जो कमेंट्स होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं, और वो हर आप देखना इस वीडियो में भी के एंड में भी वो वही कमेंट करेंगे जिनका रिप्लाई मैं ऑलरेडी इस वीडियो में दे चुका हूं। तो आई होप सो यहां पर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो फ्रेंड जल्दी से इस फॉर्म को डाउनलोड करें और इसको भर के भेजें, क्योंकि जो लास्ट डेट फॉर्म भरने की भर के भेजने की आप देख सकते हैं 12 मार्च है, और भेजना कहाँ है आपको ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता दिया, एक बार मैं आपको फिर से जूम करके बता रहा हूँ, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक मानव संसाधन विकास विभाग मंडल कार्यालय BHL कॉम्प्लेक्स सेक्टर 14 रानीपुर हरिद्वार 249403 उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक के बटन को दबा दो, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करो। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी हम अक्सर अपडेट आपको देते रहते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे नोवर आउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।